चाईबासा की बात करते हैं सर। चाईबासा में गीता कोड़ा इस बार कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। कुछ समय पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और वहां से उन्हें प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ इस बार फिर दोबारा से जो है वहां मैदान में है। लक्ष्मण गिलुआ या गीता कोड़ा? सपाट अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं गीता कोड़ा को वहां पर से मौका दूंगा। गीता कोड़ा वहाँ चुनाव जीत रही हैं। गजब का उत्साह हम लोगों ने देखा है कि मधु कोड़ा के जो लोग थे वो उनकी छवि भी बहुत अच्छी रही है कार्यकर्ताओं के बीच में। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुक्ति मोर्चा के विधायकों का समर्थन मिला है उन्हें? नहीं मिला है, कार्यकर्ताओं का लोगों मतदाताओं का समर्थन उन्हें मिला हुआ है, लेकिन ज्यादातर विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं सर उस इलाके। नहीं ठीक है, हम उससे मुझे इनकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों में उत्साह नजर नहीं आया। दूसरी ओर उनके समर्थकों में उत्साह बहुत था, गीता कोड़ा के समर्थकों में। एक जगन्नाथपुर का हो सकता है कि आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन जो दूसरे नहीं, आप सभी क्षेत्रों में दिखा है उत्साह तो दिखा ही है, उनके लोगों में उत्साह दिखा है। मतलब आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण गिलुआ चुनाव हार रहे हैं। तो इसके बाद भी हम लोग एक वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि ये काफी दिलचस्प होता जा रहा है। मेरे हिसाब से वहां से लक्ष्मण गिलुआ जीत रहे हैं, लेकिन सर के हिसाब से वहां से गीता कोड़ा जीत रही है।